गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द चटोरी बनिया। मैं हूँ विशाली और आज के वीडियो में हम आ गए हैं एक बहुत ही बढ़िया सी पिज्जा प्लेस कवर करने। सो अपेरेंटली वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज नाउ, जहाँ पे हम लोग एपिसोड्स निकालेंगे वेयर वी आर कवरिंग द बेस्ट पिज्जास इन दिल्ली NCR। सो कंसिडर दिस एज Episode-1, एंड इफ यू आर अ पिज्जा फैनेटिक लाइक मी तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज आपको बहुत ऐसे जेम्स पता चलने वाले हैं इन द कमिंग एपिसोड, जहाँ पे आप बेस्ट पिज्जास खा सकते हो इन Delhi-NCR। सो करंटली वी आर एट पापारिज्जा इन कैलाश कॉलोनी। इनकी एक ब्रांच हडसन लेन में भी है इन नॉर्थ दिल्ली, बट अभी हम यहाँ पे साउथ दिल्ली में आए हैं पिज्जास खाने, एंड आई एम जस्ट आउटसाइड द प्लेस, सो लेट्स गेट इन एंड बिगिन। गाइस अभी हम अंदर आ गए हैं एंड मैंने कॉर्नर सीट बहुत सही लग रही है, यहाँ पे लाइटिंग भी काफ़ी सही है, एंड हमने मेन्यू मंगवा लिया है। कुछ टेम्पटिंग ऑप्शंस दिख रहे हैं तो लेट्स गो अराउंड एंड सी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं इनकी मेन्यू में। पिज्ज़ा और गार्लिक ब्रेड तो मुझे डेफिनेटली ट्राई करने ही है यहाँ पे, सो लेट्स सी कि हम वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं एंड ड्रिंक्स में हम क्या क्या मंगवाते हैं। गाइस यहाँ पे फूड मेन्यू है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, नेपोलिटन स्टाइल पिज्ज़ाज़ यहाँ पे, सूप, सैलेड, लज़ानिया, गार्लिक ब्रेड, एंड अभी हमने ऑर्डर किया है ये ट्रफल मशरूम पिज़्ज़ा और एक गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर किया है, सो वेरी एक्साइटेड फॉर द ऑर्डर, लेट्स सी। मशरूम पिज्जा जिसमें आपको दिख रही है, आई थिंक 2 to 3 वेराइटीज के मशरूम्स हैं विद लॉट्स ऑफ चीज, एंड दिस इज अ नेपोलिटन पिज्जा जो ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा होते हैं वैसा है बिल्कुल। इसका क्रस्ट रेगुलर पिज्जा से बहुत डिफरेंट रहता है, अभी हम खाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसा होने वाला। एंड सेकेंड चीज यहाँ पे है बटर चिली गार्लिक ब्रेड, तो ये भी इसके दो सेम है पिज्जा की तरह, इसमें टॉपिंग्स डिफरेंट है, इसमें एलपिनो है, बेसिल लीव्स है एंड सम चिलीज, इसको इन्होंने डिप के साथ सर्व किया। अभी हम सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं ट्रफल मशरूम पिज्जा, जिसमें मेरे को ऑलरेडी 2 to 3 वेराइटी के मशरूम्स दिख रहे हैं एंड इट इज लोडेड विथ चीज, एंड मैं इसका एक स्लाइस ले लेती हूँ एंड पहले इसका एक बाइट लेते हैं कि ये कैसा है। सो सच लाइक मशरूमी टेस्ट, बहुत ज्यादा प्राइमरी फ्लेवर ऑफ कोर्स मशरूम्स का ही है बिकॉज मशरूम की टॉपिंग्स है, सेकेंडरी फ्लेवर इज ऑफ द चीज, वेरी सिंपल, वेरी ऑथेंटिक, बट इट इज सो डिलिशियस। द क्रस्ट जैसे आपको इसमें दिख रहा है, दिस इज नॉट लाइक द रेगुलर पिज्जा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं ऑथेंटिक नेपोलिटन क्रस्ट होती है, ये हैंड रोल्ड डो से बनाए जाते हैं बेसिकली, ये जो पूरा डो है इट इज प्रिपेयर 24 to 48 आवर्स बिफोर दिस prepare the pizza, so काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है, एंड दिस प्लेस हैज बीन रैंक अमंग द टॉप पिज्जा प्लेसेस इन Delhi-NCR बाय मल्टीपल पोल्स, सो डेफिनेटली द पिज्जा इज रियली अमेजिंग। अभी हम सेकेंड चीज ट्राई करने वाले हैं, सो ये है ज़तर चिली गार्लिक ब्रेड एंड इसको अभी हम ट्राई करने वाले हैं। इसका क्रस्ट भी जैसे मैंने आपको बताया ये नेपोलिटन पिज्ज़ा के जैसा सिमिलर क्रस्ट ही है, एंड बोला जाता है कि नेपल्स जो है इटली में वहाँ पे ऐसा क्रस्ट मिलता है, अभी यार नेपल्स तो गए नहीं है बट वहाँ का सिमिलर टाइप का पिज्ज़ा तो खा ही सकते हैं, और गार्लिक ब्रेड एंड ये गार्लिक ब्रेड गार्लिक डिप है यहाँ पे, तो अभी हम डिप में ट्राई करेंगे फॉर दिस गार्लिक ब्रेड।
Honestly, the garlic bread tastes almost similar like pizza because मैंने corner slice लिया था. I think I'll take a middle slice here ताकि जो toppings हैं वो पता चले. You toppings का कैसा taste आ रहा है. So basically it's loaded with cheese, jalapenos, some chilies, basil leaves. मेरे को यहाँ पे काफी चीजें दिख रही हैं. So I am trying this now without the dip and let's see कि ये taste में कैसा है. The flavors are too good because ये जो crust है इस पे बहुत mild flavors ही आपको अच्छे लगेंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा high, बहुत ज़्यादा non subtle flavors इसमें add करेंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, वो blend भी मस्त नहीं बैठेगा. लेकिन ये जो इन्होंने इस पे बहुत mild chilies और jalapenos की filling डाली है, this is like chef's kiss and the dip is also very nice. This is a garlic dip and garlic ka isme bahut primary flavor hai. I'll take another bite. मैंने ये पिज्जा और गार्लिक ब्रेड पेयर किया है विद सम इन हाउस रेड वाइन. अब मैं ये मील फिनिश करने वाली हूँ एंड देर इज अ बेरी स्मूदी ऑल्सो ऑन द टेबल जो मेरे फ्रेंड ने मंगवाई है. इवन द बेरी स्मूदी इज ऑल्सो वेरी नाइस. अगर आपको नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस यहाँ ट्राई करनी है, दे हैव अ ह्यूज वेराइटी टू चूज फ्रॉम. सो अभी हम लोग अपना पिज्जा और गार्लिक ब्रेड फिनिश करने वाले हैं. सो डोंट गो एनीवेयर. अभी इसके बाद डेजर्ट भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इटालियन डेजर्ट. सो स्टे ट्यून्ड. तो अभी हमने यार अपने आज का मील का फाइनल आइटम ऑर्डर कर लिया है. दिस इज द पापरिज़ा स्पेशल तिरामिसू ओवर हेयर. जैसे मैंने आपको बताया ये एक इटालियन डेजर्ट ही है. आपको ऊपर जो पूरा दिख रहा है दिस इज द कोको पाउडर एंड मेरे से वेट नहीं हुआ था यार, तो मैं ऑलरेडी एक बाइट ले चुकी हूँ. इसमें आपको लेयर्स दिख रही होगी. सो बेसिकली मैस्कारोन चीज होता है एंड उसकी लेयर्स होती है डस्टेड विद कोको पाउडर एंड ऑल अदर गुड थिंग्स. तो मैं फिर से एक बाइट लेके यहाँ पे आपको बता रही हूँ एंड दिस इज सो गुड. इसमें आपको डिफरेंट लेयर्स दिख रही हैं. दिस इज द परफेक्ट इटालियन डेजर्ट दैट वन शुड हैव एंड दिस इज अ मस्ट हैव एट पापरिज़ा हेयर. The flavor of coffee infused lady finger biscuits, mascarpone cheese, cocoa powder, everything is too good. Like I am going into food coma after literally having this dessert right now. So this was our meal at Paparizza in Kailash Colony. I hope you enjoyed this video. हम एवरेज कॉस्ट फॉर टू की बात करें तो दिस विल गो अराउंड 2,000 to 2,500 rupees विच इज आई थिंक रीसेंट इनफ एंड दिस इज एक्सपीरियंस दैट यू मस्ट हैव. नीपोलिटन पिज्जा जो यहाँ पे दिल्ली में बहुत ही लिमिटेड जगहों पे मिलते हैं एंड पापरिज़ा इज अ प्लेस दैट डज इट राइट. सो डेफिनेटली चेक दिस प्लेस आउट. एंड उसके अलावा गार्लिक ब्रेड्स आर देयर, चीज बर्स्ट गार्लिक ब्रेड और इवन द वंस वी हैड टुडे द ज़तर चिली garlic bread, both were very good. And this dessert, the drinks, everything we have had here at this place was too good. So do try Paparizza here and let me know how do you guys like it. Okay, bye. Like, share, comment and subscribe. Don't forget to do it, you know the drill. Okay, bye bye.